नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बिना एंटीवायरस के इस्तेमाल किए आप लोग वायरस कैसे हटा सकते हैं अपनी ड्राइव्स में से। ड्राइव्स कई सारी होती हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो एक तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग बिना एंटीवायरस इंस्टॉल करें आप लोग वायरस अपने सिस्टम पे कैसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको रन कमांड खोलनी है विंडो और आर की दबा के। फिर उसके अंदर एक कमांड लिखनी है क्लीन एम जी आर, CLEANMGR। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ये सब बातें मैं लिख दूंगा, ये कमांड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। फिर उसके बाद आप लोग अब कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सी ड्राइव को चूज ना करके बाकी ड्राइव्स को चूज कर लीजिएगा प्लीज। उसमें से जैसे आप लोगों को डी ड्राइव आपको चूज करनी है, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे सारे के सारे जो वायरस होंगे वो सफा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग अलग अलग ड्राइव्स को चूज करके उसमें से ड्राइव वायरस को हटा सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि साहब आपने डी ड्राइव चूज की, फिर ओके बटन दबाया, ओके बटन दबाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग चलेगी, वायरस हट जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को एक और कमांड का इस्तेमाल और करना है, विंडो और आर की दबाइए, फिर इसके अंदर लिखिए प्री फेच, PREPFETCH, प्री फेच। प्री फेच से जितने भी वायरस होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, जितने भी फालतू की जो फाइलें होती हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती वो यहाँ पर आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है कहीं पर भी, देन क्लिक कंट्रोल ए की दबानी है, यानी सेलेक्ट ऑल, फिर शिफ्ट और डिलीट दबा के इन सबको हटा देने का है। मतलब आप लोग इस चीज जितनी भी फाइलें हैं इन सबको डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद विंडो और आर की वापस से मत दबाइए, फिर ट्री कमांड आती है, TREE, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। फिर ट्री कमांड दबाने के बाद आप लोग इसको बंद कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ना वायरस हम अपने सिस्टम में से कैसे हटाते हैं। मेरे जो लैपटॉप है उसके अंदर कई सारी फाइल्स हैं, कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है, वरना जो ट्री कमांड होती है वो ज्यादा टाइम नहीं लेती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले आने वाले वीडियोस हम इससे ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।